बताओ, तिवारी बन के रहने वाले हैं महारानी जी, अगर सेनापति करण सिंह तुम्हारी बात को ना माने तो उनको मना देंगे। जितना ये गुस्सा दिखावे भी तेरी बात में आने वाला नहीं, सेनापति कि नहीं? कुछ है अस्त्रम है तेरे पास, सब तूने धोकर पी लिया। ठीक है, मैं 10 मिनट का सोचने का मौका दे रही हूं, सोच लो। मेहमान इधर, महारानी सेनापति को मार मार कर मनाती है और सेनापति अपने मन में कौन सा बात सोचता है तो उसे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये नौकर है। भगवान, कौन सी परीक्षा मेरा ले रहा है तू? इधर अपमान है और इधर मेरा धर्म है, बात मेरी समझ में नहीं आती है कि अपमान को अपने गले लगा लूं या अपने धर्म पर खड़ा रहूं। नहीं नहीं, इसके मन में क्या है यह बात हमको जानना चाहिए, और इस बात को जानने के लिए हमको इसका कहना करना पड़ेगा। महारानी जी क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कहना। हमने तुमसे प्यार कर लिया तो हमको क्या मिलेगा? जो तुम हमसे प्यार करोगे वही सिरा के मालिक कहलाओगे। नहीं, मालिक नहीं बनना चाहता हूं। महारानी जी सचमुच प्यार करना चाहती हो? हाँ। कभी दगा तो नहीं करोगी? कभी नहीं। इस राज का मालिक बनाओगी? इस राज का मालिक बनाऊंगी, और आपका अधिकार मुझ पे रहेगा। महारानी जी, हाँ तो सुनो मेरी बात को। कहिए। कुछ कहने क्या कहना है बोलो? इस राज का मालिक बनना हो तो हमारा एक कहना करना पड़ेगा। और मेरे बात मेरी
ना तुम बढ़ पाओगे ना इस रात का कहला पाओगे। ये मैं चाहती हूँ महारानी जी, तुम राजा का खून कर गया और तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिलवाऊंगी। तुमको देख देख कर मेरा मन बेचैन हो रहा है। अरे भैया एक बार तुम्हारे मन जरा प्यार से मुस्कुरा दो। महारानी जी हाँ कहिए ना। एक बात कहूँ? कहिए। इधर आओ। बड़ी अच्छी लगती हो तुम महारानी जी। हाँ मिले जो तेरे नैनो दिखाना नहीं। आबरम दियो बाबा, अगर यही दुनिया में हरुआ हमका मिल जाते हैं तो यही दांत में नंगे होई के नहाए थे। तुम दिखाते हो नहीं ना कि तू कटवारा से निकले। ये काम हाँ।
पूरा करके आना, वरना अपनी शकल नहीं दिखाना। महारानी जी, हम तेरे दिल के में बैठकर क्या चीज देख रहा हूं ये तू नहीं समझ पाएगी। बस वक्त का इंतजार करो। महारानी जी, घबराओ नहीं, जब तक राजा का खून नहीं करूंगा अपनी शक्ल तुझको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बस जाते जाते एक बात कहता हूं, प्यार के कागज पे सलाम लिखा कहा है मैया। हाँ मेहरबान, इधर मंत्री यानी सेनापति करण सिंह महारानी से प्यार हो जाता है और प्यार करके देखिए अब क्या ढूंढते हैं। हम लोग नहीं जानते महाराज यानी सेनापति करण सिंह क्या बात ढूंढते हैं। तू क्या सुन रहा था यहाँ, क्या सुन रहा था? हम मंजे महीना हम बच्चे खाली देखी थे। क्या देखा? पहले बताओ काहे मर तू, का बात है? पहले बाबा तो बताइयो जो सेनापति और बात कर रही थी तो तुम दोनों क्या देख रहे थे? हम बच्चे सुने, सुनी नहीं है? देखी नहीं है कौन है? हमका दिखाता नहीं ना, हम बिना आखिर के हरे दिखाता नहीं है। तुम मेरे सामने बात कर रहे? अरे बात बात नहीं कर सके मैया, तुम सुनो रुको यार। अच्छा पहले ये बताओ माता जी, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम चलो आराम करो, तुम चिंता ना करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। कुछ सोचती हूँ उसके बाद ही मैं बात करूँ। नहीं नहीं चलो सो, वेला के लिए और बीच भवन में तुम बोल सुनो, हम तो उनके चक्कर बीच भवन में नहीं आयत की। अच्छा, अरे केवल हार ना मिले किस मन में ले सबेरे क्या करें? हम तो ये कहें ये बैंक उठा रहा है, उठाना है या टिड्डा है ये कहाँ रहता है? जलकुंभी तो वहीं आ रहे हैं। सर में दो कहाँ रहते थे? हम जलकुंभी में रहे थे। यह क्या करने आए? हम खुश हुए हैं इस दरबार में, इस रात दरबार में तुझे खुशी मिलेगी। अरे चलिए मुनई दोरी नदी
बैठा को कपड़े धोने के लिए भेजी थी। हाँ। और रेखा के कपड़े नदी में बह गए, घड़ा फूट गया। हाँ। अब देखिए महारानी आती है, बैठी रहती है और रेखा अपने मन में क्या सोचती है क्या बताएं दोस्त। अरे रूठो करो मन की, क्या कही है? कुछ नहीं कही रहे, कहा आया बताओ क्या बात है? इस दरबार में खाली तुम्हें ड्यूटी देना है बस, यहाँ भाषण मत। ठीक है, क्या करवाई हो, क्या करवाई हो बताओ? मैं क्या करवाऊंगी हराम आराम जाते, मैं कोई गाय भैंस हो जो करूं। मैं मारा थी हेलो, तुम बैठो माता जी, रेखा कपड़े धोने गई है, वो आती होगी। ठीक है मैया। अम्मा अरे कम से कम शाम होने व्रत में स्वीकार करो
अरे आप ही जानते हैं, अरे ये गलती से खुद ही पूछ लो क्या ये गलती करके आई है। ठीक है माँ, तो क्या बताऊं। ठीक है माँ, मैं अपनी रेखा बहन से भी पूछता हूं। रेखा बहन सही सही बताना बहन, आखिर ये मां तुझे क्या मारती है, क्या गलती किया भैया? भैया कुछ तो मैंने किया। हाय भैया, रास्ते में भैया मुझे ठोकर लगी, मैं संभल ना सकी और झूठा घड़ा। क्या कहा बहन, माता जी ने तुझे काम करने के लिए भेजा? हाँ, पानी भरने के लिए भेजा और कपड़े धोने के लिए भेजा, और रास्ते में तुझे ठोकर लग गई और घड़ा भरा भी फूट गया और कपड़े भी ना मालूम कहाँ चले गए। भैया तो इसमें कौन सी खता कर दिया तूने? अगली बात तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी माँ की है, जब मेरी बहन को दिखाई नहीं देता है तो काम करने के लिए क्यों भेजा? अगर भेजा तो जब उससे नुकसान हो गया तो कौन सी बात हो गई? मान लो कि आज मेरी बहन को दिखाई देता है, अगर काश मेरी मां को नहीं दिखाई देता होता और ऐसी गलती इससे होती तो हम लोग क्या करते? बहन तू ठहर, अभी मैं मां से खुद बात करता हूं। देखो खुशी भैया, ये बात मां से कहो, उसका के समझ में बात आ जाएगा। सही कहते हो। हाँ भैया, मां मेरी बात को ध्यान से सुनो।